साथियों, आप लोगों के मांग पर आज हमने स्फीयर वर्ग ज्ञात करना सिखाएंगे। आप हमारे रस्ते तक गणित से डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सरल तरीका से आपको आज वर्ग ज्ञात करना सिखा रहे हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, और जो पहले बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, YouTube पर मालिक राम वर्मा चैनल को। और आपके मन में जितना गणित का भय बैठा हुआ है, वो भय को दूर करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आज बहुत आसानी से आपको वर्ग ज्ञात करना सिखाएंगे। सबके मानसिकता में जितना भी कठिनाई गणित के पीछे मन में बैठ चुका है, वो भय बिल्कुल दूर हो जाए, हम ही चाहेंगे। देखिए, आज हम 42 का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, छोटी सी छोटी संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसानी से आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास प्रश्न है 42 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, 42 का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रक्रिया अपनाएंगे, पहले बार में इकाई का स्क्वायर करेंगे, इकाई का वर्ग कर दिए। इकाई की जो संख्या है उसका हम वर्ग करते हैं। जब इकाई का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। इतना समझ आ गया, पहले बार में हम इकाई का वर्ग किए तो इकाई में यहाँ पर हमारे पास 2 है तो 2 का वर्ग हो गया 4। दूसरे बार में क्या करते हैं, इकाई और दहाई का गुणन करते हैं, इकाई गुणित दहाई, अब इसका दुगुना कर दिए। इकाई और दहाई का गुणा करते हैं, फिर उसका दुगुना कर देते हैं। चलिए, 4 × 8, पहले गुणा किए, 4 × 8, अब उसका दुगुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 × 4, और इसका दुगुना, तो 2 × 8 हुआ, 8 × 16, तो 16 × 6 हासिल 1 हो गया। इतना समझ आएगा, क्या किए, इकाई और दहाई दोनों का गुणा कर देते हैं तो 2 × 1 = 2 हुआ, 2 × 8 हुआ, और आओ उसका दुगुना कर देते हैं तो 8 × 16, 16 × 6 हासिल 1 हमको प्राप्त हो गया। तीसरे बार में हम क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिए, तीसरे बार में हम दहाई का वर्ग करते हैं, दहाई का वर्ग कर देते हैं तो दहाई हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और एक हासिल आया उसको जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 17। कितना प्राप्त हो जाएगा, 17, ये 1764 हमको उत्तर प्राप्त हो गया, किसका, 42 का वर्ग का। इसी प्रकार से और दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा फार्मूला यही रहेगा, मान लो हमको 86 का वर्ग करना है, 86 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 86 के स्क्वायर हम कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ा ही आसानी से फिर समझेंगे। इसी प्रश्न को हम कैसे बहुत सरलता से इसी सूत्र पर ज्ञात करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये हमारा जो फार्मूला है उसी फार्मूला से हमको बहुत जल्दी उत्तर प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई का वर्ग करते हैं। ये देखिए फार्मूला हमारे पास, यूनिट डिजिट जो है, इकाई का अंक जो है उसका हम वर्ग कर लेते हैं। तो 6 का वर्ग होता है 36, 36 × 6 हासिल 3, है ना, वर्ग मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देते हैं। इतना समझ आ गया, पहला है इकाई का वर्ग 6, 36। दूसरे बार में क्या करते हैं, इकाई और दहाई का गुणा करते हैं, और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसका दुगुना करेंगे तो 6 × 8 कितना हो गया, 48। 48 का दुगुना कर देंगे, 48 × 96, और 96 में 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 99,
99 करना हो आखिर नौ। उसके बाद तीसरे बार में क्या करते हैं, दहाई का वर्ग करते हैं। तो आठ दहाई है तो आठ का वर्ग करेंगे, आठ अट्ठे कितने हो जाएगा 64, और 64 में से 9 को जोड़ेंगे तो 64 में से 6 जोड़े तो 90 हुआ, 70 हुआ, और 70 में से 3 जोड़े तो 73 हो गए। इस प्रकार से 8 8 64 और 64 9 के 9 हो गया 73। ये आसानी से उत्तर हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम और दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। चलिए प्रश्न देखिए 74 का वर्ग, किसका वर्ग है 74 का 74। 74 का वर्ग हम ज्ञात करते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए इसका वर्ग हमारे पास फार्मूला एक ही है, ध्यान देंगे और पूरा अगर वीडियो देखेंगे हो सकती समझ आ जाएगा, फिर आसानी से आपको भी प्रश्न लेकर घर में हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम हमारा फार्मूला क्या है, इकाई का स्क्वायर ज्ञात करना, इकाई का वर्ग ज्ञात करना। तो इकाई का वर्ग करते रहें तो इकाई में हमारे पास यहाँ क्या है 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 चौक 16, हाँ सिर्फ एक क्या किए इकाई का स्क्वायर किए तो 4 के स्क्वायर कितना हुआ 16 अर्थात 16, 16 का 6 हासिल एक, वहीं पर हम लिखेंगे हासिल। दूसरे बार हम क्या करते हैं, इकाई और दहाई का गुणा करते हैं और उसका दुगुना कर देते हैं। चलिए चलते हैं इकाई और दहाई का गुणा करने के लिए, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, है ना, 7 और 4 का गुणा किए तो कितना हुआ 28। अब 28 का हमको दुगुना करना है तो 28 का दुगुना कितना हो जाएगा 56, और 56 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57, हासिल 5। साथियों ये दूसरा स्टेप भी आपको समझ आ गया होगा, क्या किए अपन दोनों संख्याओं का गुणा करके हम उसको दुगुना कर देंगे। तीसरे बारे में क्या करते हैं, देखिए दहाई का वर्ग करते हैं, तो दहाई का वर्ग दहाई में क्या कौन सी संख्या है 7, तो 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना होता है 7 7 49, 49 में से 5 को जोड़ना है तो 49 में एक जोड़े तो हो गए 50 और 4 54, यहाँ युक्ति 1 54। देखिए हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है 5476। इसी प्रकार से और प्रश्न लीजिए, चलिए चलो हम ले लेते हैं आप तिरसठ का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं, किसका 63 का, तो 63 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट में इकाई के अंक में 3 है और टेंथ डिजिट अर्थात दहाई के अंक में कितना है 6। इसका वर्ग जब ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या होता है यूनिट डिजिट का अर्थात इकाई के अंक का हम क्या करते हैं वर्ग करते हैं, तो इकाई में 3 है तो 3 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9। और इसी प्रकार से दूसरे बार में हम क्या करते हैं इकाई और दहाई का गुणा करते हैं। ये देखिए द्वितीय स्थिति में हमारे पास इकाई और दहाई का गुणा करते हैं और उसका हम क्या कर देते हैं दुगुना कर देते हैं, तो 6 3 कितना हुआ 18, कितना हुआ 6 3 18, अब उसका दुगुना कर देंगे तो 18 2 36 36 का 6 हासिल 3। ये सेकंड स्टेप भी आपको समझ आ गया। तीसरे बार में क्या करते हैं, तीसरे बार में देखिए यहाँ दहाई का वर्ग करते हैं, दहाई यहाँ पर हमारे पास क्या है 6 है तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कितना होगा 6 6 36, और 36 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया 3969। साथियों ये वीडियो आपको समझ आ रहा होगा, ये प्रश्न आपको सरलता से समझ आ रहा होगा कि हम इस प्रश्न को बहुत ही कम समय में एक ही पंक्ति में कैसे हल कर रहे हैं। चलिए एक आधा प्रश्न ले लेते हैं, 54 का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं, किसका वर्ग ज्ञात करते हैं 54 का वर्ग ज्ञात करते हैं। इसमें भी हम इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम इकाई का वर्ग ज्ञात करते हैं, तो इकाई में यहाँ कौन सी संख्या है ये देखेंगे, इकाई में हमारे पास यहाँ पर 4 संख्या है, 4 की अंक है तो 4 का हम सबसे पहले वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है 4 2 16, 16 का 6 हासिल 1, समझ आ गया।
इकाई के वर्ग कर दिए। तो इकाई हमारे पास क्या है, तो चार का वर्ग करते हैं तो 416 प्राप्त होता है। 16 का हम 6 लिख दिए, एक हमारे पास शांति निकेतन लिख दिए। दूसरे बार में क्या करते हैं, इकाई और दहाई का गुणा कर देते हैं, फिर उसका दोगुना करेंगे। चलिए इकाई में क्या है 4, दहाई में क्या है 5, तो 4 और 5 का गुणा कर देंगे तो 4 पंची कितना होता है 20, कितना होता है 20, उसका हम दोगुना करेंगे। दोगुना करेंगे 20 का दोगुना कितना हो जाएगा 40, और हासिल जो आए हैं उसको जोड़ देंगे। 40 में 1 जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 41 का 1 हासिल 4। ये दूसरा भी स्टेप समझ आ गया। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, जो दहाई का संख्या है उस दहाई की संख्या का हम वर्ग करते हैं। दहाई में हमारे पास है 5, तो 5 का हम वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 25 में से जो हासिल आया है उसको जोड़ेंगे, कितना आया है हासिल 4, तो 25 में 4 को जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है 25 और 4 29। इस प्रकार से हमको उत्तर प्राप्त होता है 2916। साथियों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आपको समझ आया हो तो YouTube पर जाकर मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ये प्रश्न सभी को समझे। आपके मन में जो गणित का भय का जो भूत बैठा हुआ है वह भूत भाग जाए। आज से साथियों गणित से कोई डरेगा नहीं। आपके मन में कोई भी अगर प्रश्न उठ रहा हो तो उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस प्रश्न को अगले वीडियो में फिर बताएंगे। आपके मन में किसी प्रकार का गणित के भय नहीं होना चाहिए, बहुत ही सरल विषय है गणित। इस गणित को हम सरलता से अपने दिमाग से कैसे हल करें ये हमको सोचना है। तो आपके मन में किसी प्रकार का गणित के पीछे भय उत्पन्न ना रहे ना हो, इस बात का ध्यान रखना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जरूर मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।